ऐसे मत बोलो यार, आप दिल्ली में रहते हो, आपकी जान पहचान नहीं है। जैसे कोई अगर लड़की हो ना बहुत बेहतरीन, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना वो मसाला स्लम एरिया, सारी लड़कियाँ यूँ नाक से रेट निकाल रही हैं और मतलब कपड़े भी ऐसे पहनेंगी, पता नहीं क्या होगा, अजीब सा, किसी के फटे कपड़े, किसी के मैल लगी हुई, मतलब इतनी गंदी, मैंने देखने का भी मन नहीं करे। तो अपने को चाहिए सुथरी सी छोरी जो मतलब बढ़िया सी हो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नंदू सबका बंधु में। गाइस मिलकर पेश है एक और धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने लड़की से बोला कि तुम्हारे घर के आसपास जो सबसे मस्त और खूबसूरत भाभी रहती है, जो एकदम कथित चौकस माल हो, वो सेट करा दो। तो वीडियो के रिएक्शन बहुत बढ़िया है, आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो देखना बिल्कुल एंड तक, और मैं आप सुनूंगा वीडियो के बाद। एक्सक्यूज मी, हेलो, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? क्या नाम है? कशिश। मेरा नाम नंदू। हेलो, आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी यार, इतनी सी हेल्प है जितनी आपकी हाइट है। यार मतलब हेल्प कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है एक्चुअली ना, मैं ना बहुत टाइम से कुंवार हूँ, मतलब बचपन से। अच्छा। आज तक मतलब एक भी लड़की नहीं पटी मेरे से, किसी ने देखा तक नहीं। फिर मैं वहाँ से देख रहा था ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर और स्वीट लगे मेरे को, तो मैं आपके पास आ गया थोड़ी सी बात करने के लिए। अकेला है ना इंसान, हर जगह चले जाता है, तो मेरे को आपसे हेल्प ये चाहिए कि आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में। कहाँ से? ठीक है, कल से आप मेरे दिल में रह सकते हो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे को यार हेल्प ये चाहिए। जैसे आपका सही में लोकेशन क्या है? उत्तम नगर। उत्तम नगर, यार मैंने सुना बहुत मतलब अच्छा एरिया है वो, है ना? तो उत्तम नगर में आपने देखा कि मतलब जैसे आपके घर, आपका जहाँ घर है उसके आसपास कोई मस्त सी भाभी, मतलब जैसे जिसकी नई नई शादी हुई, चूड़ा वूड़ा पहन के रेड कलर की साड़ी में निकलती है, ऐसा कुछ? सबको लड़की चाहिए, आपको भाभी चाहिए? यार वो लड़कियां ना दिल तोड़ देती हैं। अभी लड़कियां, मैं दो चार लड़कियों से मैंने बात करी थी, वो मेरे साथ तो थी, उसके बाद उसको दूसरा मिल गया BMW वाला, वहाँ छोड़ के भग गई। तो मैंने ना उसी से पूछा, मैंने कहा यार तू मेरे साथ इतना गलत क्यों कर रही है? कह रही वो BMW वाला शादीशुदा है। तो जैसे लड़कियां शादीशुदा लड़कों से सेट हो रही, उसने मेरे को ये बोला कि भाई लड़कियों पे भरोसा मत करो, भाभियों पे भरोसा करो, क्योंकि भाभी एक तो घर के अंदर रहती है तो वो बाहर ज़्यादा मतलब नहीं रहती, वो एक हाथ सेट कर लेगी बस, लोयल रहेगी। मतलब मैं हर इंसान चाहता है ना कि एक लोयल बंदा साथ में रहे, तो मैं लोयल्टी के लिए चाहता हूँ कि यार कोई ऐसा बंदा हो कि हाँ जो धोखा ना दे यार। भाभी के पास वैसे एक मनहूस था तो मिल ही गया है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको एक तो मिल गया, अब वो ज़्यादा इधर उधर मुँह नहीं मारेगी। अगर मेरी भी सेटिंग हो जाए तो दो बहुत हैं एक लड़की के लिए, है ना? तो जैसे आपके आस पास कोई जो एकदम चौकस माल टाइप दिखती हो वैसी लड़की? सारी, मतलब जैसे जिसकी अभी आसपास और कई शादियां हुई होंगी, जैसे थोड़ी बहुत, जैसे आप इतनी सुंदर हो, आपकी जान पहचान भी सुंदर सुंदर लोगों से हुई होगी, तो उनमें से कोई जिसकी नई नई शादी हुई हो पकड़ के ले आओ यार, गरीब का भला हो जाएगा। देखो ये तो कॉन्टेक्ट में नहीं है कोई आपकी। अच्छा, आपकी शादी तो नहीं हुई ना? वैसे यार अच्छा एक बात होता है, जैसे मैंने कहा कि मेरे को लॉयल्टी चाहिए, अगर मान लो भाभी लॉयल रहे ना रहे, क्या पता उसका पति ज़्यादा खुश कर देता हो, तो अगर आप जैसे आप सिंगल हो, नहीं मैरिड हो, दो बच्चों की माँ हो, फिर कमिटेड हो लड़की के साथ, कौन सा लड़का है वो बताओ मेरे को? तो नहीं करता, अच्छा इमेजिनरी दुनिया का है, तो कहीं वो मैं तो नहीं हूँ? नहीं। नहीं आप देख लो अगर ऐसा कुछ। तो यार जैसे अभी मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे आपके आस पास ना जो सबसे सुंदर लड़की हो, जैसे कोई भाभी बहुत सुंदर, जो सबसे ज़्यादा सुंदर हो, जिसके बच्चे भी ना हो, क्योंकि बच्चे होने के बाद ना यार सिस्टम ख़राब सा हो जाता है, जिसके बच्चे ना हो, अगर ऐसी कोई लड़की अगर हो, है मतलब यार ऐसे दिल मत तोड़ो यार, क्योंकि मैं बचपन से सिंगल हूँ। देखो लड़की बाजी के मामले में ना मैं बहुत गरीब हूँ, वैसे तो मेरे पे बहुत सारे नोट हैं लेकिन सारे नकली हैं। तो मैं लड़की बाजी के मामले में बहुत गरीब हूँ, तो अगर आप देखो कृपा बरसा सको, किसी से बात करें, किसी लड़की से, किसी पति से बात करो कि भाई तेरी वाइफ को ना ये थोड़ी देर के लिए कहीं कहीं घुमाने लेकर जा सकता है, जैसे आपके दोस्त वगैरह भी होंगे ना उनकी वाइफ हो गई, हो सकता है ना ऐसा? यार चलो दो बच्चों की माँ भी चलेगी, आंटी पटवा दो। ऐसे मत बोलो यार, आप दिल्ली में रहते हो, आपकी जान पहचान नहीं है। जैसे कोई अगर लड़की हो ना बहुत बेहतरीन, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना वो मसाला स्लम एरिया, सारी लड़कियाँ यूँ नाक से रेट निकाल रही हैं और मतलब कपड़े भी ऐसे पहनेंगी, पता नहीं क्या हो, अजीब सा,
किसी के फटे कपड़े, किसी के मैल मैल लगी हुई, मतलब इतनी गंदी मैंने देखने का भी मन नहीं करे। तो अपने को चाहिए सुथरी सी छोरी जो मतलब बढ़िया सी हो, डिसेंट घर की, जो उत्तम नगर साइड सब पॉश एरिया है, मैंने सुना जैसे आप वहाँ से आ रहे हो तो बढ़िया ही है ना, तो वैसी कोई लड़की पटवा दो अगर हो सके तो। मेरे घर के उधर मैं पटा लेता, क्योंकि अब मैंने बोला ना अभी मेरे पास बहुत सारे नोट हैं, नकली सही दूर से थोड़ा ना पता चल रहे हैं, तो मेरे घर के पास तो मैं पटा लेता। लेकिन वो सारी यार देखने देखने का मन नहीं करता, उनके साथ इंसान क्या बात करेगा, कहाँ घूमने जाएगा, बेइज्जती और होगी। एक दिन मैं एक के साथ घूम रहा था, वहाँ वो जो पैसे मांगती है ना लड़कियाँ, यूँ पैर पकड़ गया भैया दे 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 दे, वो उसको पकड़ रही, अरे दीदी तुम कहाँ थी, मतलब कोई मतलब ही नहीं। मेरे को इतनी शर्म आई, मैंने कहा यार ये मेरी गर्लफ्रेंड साथ में चल रही है, गर्लफ्रेंड मतलब बनाने वाला था, उसको जो लड़की पैसे मांग रही है वो उसको अपनी दीदी बता रही है कहाँ थी तुम, उसे लगा वो भी पैसे ही मांगने आई है। तो यार ये ना थोड़ा सिस्टम खराब सा हो रहा है। तो अगर आपके आसपास कोई मस्त सी भाभी, आप जैसी, जैसे आप हो, भाभी थोड़ी, अरे मतलब आप जैसी सुनो, जैसे मेरे को पता है आप भाभी नहीं हो, लेकिन आप लड़की हो ना, आपकी जैसे आपकी शादी होगी तो आप भाभी बनोगे ना, तो ऐसी कोई मस्त सी भाभी अगर हो तो फिर बताना यार। अरे शादी होगी तब तो आप ही पट जाना, मैं अभी पहले का जुगाड़ सोच रहा हूँ, पहले तो कोई नहीं है ना, तो नहीं है मेरे पे, नहीं है आपके पास तो होनी चाहिए, नहीं घर में भी नहीं, बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई, सिंगल चाइल्ड, क्या सिंगल चाइल्ड, आप सिंगल चाइल्ड, पापा के पास बहुत पैसा लग रहा है, तो आप ही ना कर लो। ना ना मोटा तगड़ा दहेज आएगा यार, क्या दिक्कत है, ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सिंगल चाइल्ड वाओ। तो आपका मैम इंस्टाग्राम वगैरह मिल जाए, मैं सुनो सुनो पटाने में पूरी कोशिश कर लूँगा। ठीक है चलो, खैर मैं आपके साथ छोटा सा मजाक कर रहा था, वहाँ सामने मेरा कैमरा लगा हुआ है, ये सारी बातें नॉर्मल फनी वे के लिए थी, मेरा चैनल है, अगर आपकी परमिशन हो तो वीडियो यूज़ कर लें। ठीक है तो एक बार हेलो कर दो आप मेरे सब्सक्राइबर्स को। तो दोस्तों कैसे लगा आपको हमारी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, नंदू सबका बंधु भाई लोग, ऐसी और भी मजेदार वीडियो आगे भी आती रहेंगी, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत जय श्री राम। और गाइस एक चीज़ और, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, यही कहीं घूम रहा होगा नंदू YT, आप लोग आओ जुड़ो, क्योंकि मैं और भी जहाँ जाता हूँ वहाँ की भी रील्स डालता हूँ और पोस्ट वगैरह डालता हूँ वीडियो से रिलेटेड भी, तो आप लोग आओ बातचीत करते, ठीक है।